बघूया पुढची बातमी. जेट एअरवेजचे 1600 पैकी 1100 पायलट आजपासून कामबंद आंदोलनावर जाणार आहेत. 3.5 महिन्यांपासून पगार न मिळाल्यानं त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. खरं तर 1 एप्रिलपासूनच ते कामबंद करणार होते, पण नंतर व्यवस्थापन बदलल्यामुळे नव्या व्यवस्थापनाला वेळ मिळावा म्हणून त्यांनी आंदोलन स्थगित केलं होतं. मात्र नवीन व्यवस्थापनानं सुद्धा काही तोडगा काढला आणि तब्बल 3.5 महिन्यांपासून या सगळ्या पायलट्सचे पगार थकलेले आहेत. अधिक माहिती घेऊयात. विवेक गुप्ता आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. विवेक, प्रशासन आणि या पायलट्समध्ये काही चर्चा होते का? तोडगा निघण्याची काही शक्यता आहे का? काय सांगाल? हाँ बिल्कुल जी, आपने देखिए इसमें पूरे मामले पे जेट एयरवेज के जो भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, साथ साथ जो पायलट एसोसिएशन के जो लोग हैं, वो अब एसबीआई के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग है आज मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहाँ पर जेट एयरवेज का मुख्यालय है, वहां पर मीटिंग होनी है और आज अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने की जो सैलरी है वो जेट एयरवेज के पायलट और क्रू मेंबर को पूरी तरह से नहीं मिली है. उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में है जेट एयरवेज के कर्मचारी और साथ ही साथ अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता में है, क्योंकि जेट एयरवेज की जो मैनेजमेंट ने कोई भी अभी तक ये नहीं तय किया है कि आगे उसका फ्यूचर क्या है. तो सबसे बड़ी चिंता उन अधिकारियों उन लोगों को सता रही है कि 100 से ज्यादा जो फ्लाइट ऑपरेशन करते थे जेट एयरवेज, आज की तारीख में महज 8 फ्लाइट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल रूट पूरी तरह से बंद है. तो कहीं ना कहीं जो लोग उसमें, जो सैकड़ों कर्मचारी, जो सैकड़ों पायलट जेट एयरवेज में काम करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर काफी दिन तक चिंता हुई है. यही वजह है कि आज सुबह 10 बजे के आसपास वो जेट एयरवेज के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. साथ ही साथ वहां पर मीटिंग भी है एसबीआई और जेट एयरवेज की, इसमें कुछ अहम बड़े फैसले हो सकते हैं आज. अगदी, धन्यवाद विवेक तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीबद्दल आणि आंदोलनासंदर्भातले सगळे